खगड़िया जिला के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बदला हुआ धमारा के बीच शनिवार की सुबह रेलवे स्पूल संख्या 51 व 50 के बीच बदमाशों ने एक बार फिर मोटरसाइकिल छीनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना इस बार प्राथमिक विद्यालय ठूटी मुसहरी के प्रधानाचार्य आशीष कुमार भारती के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि शिक्षक गोगरी जमालपुर के ठूठी गाँव के विद्यालय जा रहे थे, इसी बीच बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वही शिक्षक आशीष कुमार भारती ने बताया कि शनिवार को जब बलहा से निकले तो पहले से 3 हथियारबंद अपराधी पहले से घात लगाए बैठा था। वहीं जब हम पूल संख्या 50 और 51 के बीच गए तो अपराधी पहले आगे से घेर लिया और हथियार सटा कर मोटरसाइकिल सहित मोबाइल, एटीएम, आधार कार्ड, पिन कार्ड, पैसा आदि पास से हमारे सारे सामान हथियार के बल पर लूट लिए। वही घटना के बाद मानसी थानाध्यक्ष नीलेश कुमार को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर मानसी थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच को लेकर घटनास्थल से लेकर सहरसा तक गए, लेकिन अपराधियों का पता नहीं चल सका। मालूम हो कि लगातार मोटरसाइकिल लूट की घटनाओं से दियारा वासी सहमे हुए हैं। वहीं शिक्षक से लूटपाट के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर प्राथमिक संघ के चौथम प्रखंड अध्यक्ष सुधीर कुमार ने मामले को लेकर बताया कि मानसी पुलिस अगर 24 घंटों के अंदर नहीं करती है इसका उद्भेदन तो आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। वहीं मौके पर महेश चंद्र भारती, विक्रम कुमार, जय राम यादव, मोहम्मद अशफाक आलम, जय प्रकाश ठाकुर, अनिल कुमार यादव, मनोहर पासवान, गौतम चौधरी, ब्रजेश कुमार आदि शिक्षक ने बताया कि मामले में 24 घंटों के अंदर अपराधी और मोटरसाइकिल को बरामद नहीं करेंगे तो प्रखंड से लेकर झूला तक शिक्षक संघ आंदोलन करने को विवश होंगे और सारी जवाबदेही यहाँ के स्थानीय प्रशासन को की होगी। इधर मानसी थानाध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच को लेकर अपराधी को पकड़ने के लिए सहरसा तक गए लेकिन पता नहीं चला, जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। 1 महीने में 3 मोटरसाइकिल की हुई है लूट। आपको बता दें कि खगड़िया जिला के मानसी थाना क्षेत्र के बदला पुल संख्या 51 और कात्यायनी मंदिर पुल संख्या 50 के बीच लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार 3 जुलाई को ठूठी निवासी गोपाल शाह के साथ दोनों पुल के बीच से लूटपाट को घटना को अंजाम दिया गया था। उसी जगह से एक बार फिर शनिवार को बेखौफ अपराधी ने इस बार शिक्षक को निशाना बनाया है, जबकि इसी महीने में फनगो पुल पर से बेखौफ अपराधी ने एक सिपाही के साथ लूटपाट किया था। उसके बाद भी बेखौफ अपराधी लगातार लूटपाट व छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस का कोई भय नहीं देखा जा रहा है। 14 जून को किसान का भी हुआ था अपहरण। मानसी थाना क्षेत्र में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी पुलिस की सक्रियता नहीं बढ़ रही है। बता दें कि बीते 14 जून को मानसी थाना क्षेत्र के न्यू बंगलिया गांव के नंदलाल भगत का अपहरण हुआ था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का मानसी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। मानसी थाना पुलिस के इस रवैये से लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट, बीएनपी न्यूज, खगड़िया। घटना हुई है आपके साथ? रोज की तरह हम लोग विद्यालय जो है लगभग वही टाइम में जाते हैं, 6:30-7 के बीच हम बदला से क्रॉस किए, बदला पुल और कत्याने पुल के बीच में एक मोटरसाइकिल सवार। कितना लोग था वो लोग? 3 लोग थे, जिसमें तीनों नकाबपोश थे और हथियार के बल पर गाड़ी पीछे से आकर के रिकवर करके आगे में लगा दिया और जो है मोटरसाइकिल छीन लिया। पहले तो उन्होंने मोबाइल छीना, मोबाइल छीनने के बाद मेरा पर्स जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। और मोटरसाइकिल था जिसका नंबर था BR 34S 3787। छीन करके इधर कल्याणी मंदिर की तरफ ही रवाना हुए। उसके बाद आप पीछा भी किए? उसके बाद एक हमारे शिक्षक की आ रहे थे, उनके बाइक पर हम बैठे तो उन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया लेकिन तब तक वो निकल गए। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार भारती। कहाँ से रोज आना जाना होता है आपका? घर तो गोगरी जमालपुर से। गोगरी जमालपुर से रोज मतलब आना जाना इसी रास्ते से होता है? आज 15 वर्षों से हम इसी रास्ते से आ रहे हैं। क्या नंबर है गाड़ी का? क्या नंबर था गाड़ी का? नंबर है BR 34S 3787। कौन सा कलर का गाड़ी था? गाड़ी था गोल्डन फायर फ्लेक था, कलर था स्प्लेंडर प्लस थी गाड़ी। कलर क्या था गाड़ी का? गाड़ी ब्लैक थी, उस पर गोल्डन रंग का स्टिकर सटा हुआ। कत्याने मंदिर के दोनों पुल, पुल नंबर 51 और 50 के बीच बराबर घटना हो रही है, मोटरसाइकिल
चोरी हो रही है, लगातार इस पर पुलिस शिथिलता बरत रही है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, बदला से सहरसा का, ये बदला से आपका फनगो होल्ट जो है ये रूट शॉर्ट पड़ता है, सहरसा के लोगों का भी, मधेपुरा के लोगों का भी आवागमन, लोग आते जाते हैं, और इस इलाके का खास करके फरकिया इलाके का मेन रूट है, इस होकर के लोग रात बिरात हर वक्त चलते रहते हैं। लेकिन विगत दिनों से, 8 दिन पहले भी एक गोपाल सौ ठुट्ठी के थे, उसका मोटरसाइकिल 7:30 बजे सुबह में छीन लिया गया और मोटरसाइकिल रिकवरी भी हुआ है, लेकिन आज तक पुलिस उसको ढूंढने का काम नहीं किया। अगर ढूंढेगा, मोटरसाइकिल मोबाइल रिकवरी हुआ, अगर उसको चिन्हित किया जाएगा तो चोर निश्चित रूप से जो छिनतई करता है उसका पर्दाफाश होगा। और सबसे बड़ी बात है, आज सुबह में अभी आधा घंटा एक घंटा पूर्व 7 बजे के लगभग हमारे मध्य विद्यालय ठुट्ठी के शिक्षक हैं आशीष कुमार भारती जी, वो विद्यालय जाने के क्रम में बदलापुर से मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने का काम किया। हम आरक्षी अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए और चिन्हित करके जो अपराधी इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं उसको निश्चित रूप से सलाखे के पीछे किया जाए, नहीं तो पूरे फरकिया इलाके के लोग, और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो इलाका में लोग आते हैं, शिक्षक आते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए, अगर शिक्षक नहीं आएंगे इस तरह की घटना होगा, शिक्षक आने से आना कानी करेगा और नहीं आएंगे तो ये सारा जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना पर अविलंब रोक लगाया जाए और त्वरित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मिथिलेश यादव, पूर्व उपाध्यक्ष, जिला परिषद खगड़िया।